इंदौर के एमजी रोड पुलिस ने बीएसएनएल कंपनी की केबल चोरी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने केबल चोरी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से बड़ी मात्रा में चोरी हुई केबल बरामद की है। इन दिनों मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लूट और चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एमजी रोड थाना क्षेत्र के तिलक पंथ में बीएसएनएल की केबल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ बीएसएनएल अधिकारियों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर आरोपी को केबल चोरी करते हुए पकड़ा है। फिलहाल पुलिस आरोपी ने और कहां कहां केबल चोरी की घटना को अंजाम दिया है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। ये बीएसएनएल गोडाउन है तिलक पथ में, तो वहाँ से एक ये नशा वशा करते हैं ये लोग। लखन पिता शंकर शिंदे एक आरोपी को पकड़ा है। बीएसएनएल कंपनी वाले स्वयं उन लोगों ने ही लेके आए थे थाने पे, जिसका अपराध कायम हुआ। अपराध क्रमांक 67 है, 454-380 धारा में। लड़के की उम्र 23 साल। चोरी करने की वजह क्या सामने आई? नशा करने के आदि है। और कुछ पूछताछ में कुछ चोरी कबूली है? अभी और उससे पूछताछ जारी है। आपका नाम? मेरा नाम अनिल सालुंके, एएसआई एमजी रोड। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।